अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? सब खैर खैरियत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज FIR कार की जानिब से आपसे एक और वीडियो शेयर करना चाहता हूं। ये वीडियो जो है ना, बना तो अब रहा हूं लेकिन ये बहुत पहले का ही मॉडल है, तो काफ़ी भाइयों को जो है ना इसके ब्लूटूथ का बड़ा मसला आता है। अब तक लोगों को जो है ना इसका ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करना आया। इस तरह के 2-3 भाई आए हैं जिनको समझ ही नहीं आ रही कि इसका ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करना है। वीडियो तो लेट बना रहा हूँ लेकिन जिन भाइयों को पता वो बेशक स्किप कर दे, जिनको नहीं पता वो देख लें, उनकी नॉलेज में और इजाफा हो जाएगा। आज जब वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, दोस्तों को बताएं। और अगर आपको कोई टेक्निकली कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और मुझे वहाँ पे वॉइस मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिप्लाई दूंगा। और ये इस वीडियो को बनाते हुए मुझे हंसी इस चीज़ की आ रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 15 मॉडल है पड़ा, इसमें ये फंक्शन आया था लेकिन काफ़ी सारे भाइयों को जो है ना अब तक नहीं पता। तो मुझे और कोई फिलहाल टॉपिक भी नहीं है तो मैंने सोचा चला इस पर ही वीडियो बना रहा। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप मुझे सजेस्ट करें, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगा उन सब टॉपिक पे बनाऊं वीडियो। ये जी आपने आ जाना है, ये ऑक्स है पड़ा, आपने ट्यूनर पे आ जाना है, ये सीडी है। थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ये नो ऑडियो आ रहा है, ठीक है। जब ये नो ऑडियो आ जाए तो आपने जो है ना ये वाला जो बटन है ना सेंड वाला, ये सेम वैगनार और इसका सेम प्रोसेस आया पड़ा। वैगनार का थोड़ा एक बटन चेंज आया पड़ा, इसका नो ऑडियो आ जाए तो आपने जो है ना ये टेल के बटन दबाना है, TL डिस्प्ले वाला, इसको दबा के 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ये अब आ गया जी ब्लूटूथ टेल आ गया, उसके बाद जो कनेक्ट का ऑप्शन आ गया, ऐड डिवाइस पे आ जाना है, आपने ऐड डिवाइस पे आना है, फिर जो है ना आपने सेंड वाला बटन दबाना है, ठीक है। अब ये पेयरिंग आ गया, अब हम मोबाइल को जो है ना इसके साथ कनेक्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, हम जैसे मोबाइल को इस पर कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे तो एक मिनट, यहाँ पे अभी डिवाइस सर्च भी हो जाएगी। ये देखें जी टोयोटा आ गया, हम यहाँ टोयोटा पे कनेक्ट करेंगे, टोयोटा पे जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये पेयरिंग हो जाएगा। अभी ये जी आ गया इसका पेयरिंग कोड, हमने इसको यहाँ पर क्लिक किया और ये यहाँ पर आईफोन कनेक्ट हो गया, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना, जब कनेक्ट होने के बाद, अब आप गाना प्ले करेंगे तो गाना मैं प्ले नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है। तो जब ये ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ जाए दोबारा आपने डिस्प्ले का बटन दबाना है, डिस्प्ले का बटन दबाएंगे तो फिर ही वो उस गाने पे प्ले होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है जी। डिस्प्ले का बटन दबाने का मकसद है कि वो उसे एग्जिट हो जाएगा उस ऑप्शन से, ब्लूटूथ ऑडियो जब लिखा आएगा तभी आपकी जो है ना गाना प्ले होगा। अगर आप इसके अंदर इंटर होंगे यहाँ पे इस तरह ब्लूटूथ टेल होगा या वॉइस डायल रिडायल ऐड डिवाइस पे होंगे तो तब आपका गाना प्ले नहीं होगा, ठीक है जी। आपने सिर्फ जो है ना इस डिस्प्ले पे बटन पे आके इसको ऐसे क्लिक करना है, अब ये आपका गाना प्ले हो जाएगा। इधर से मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि इधर से कनेक्ट भी हो गया, एक मिनट, ये है इसकी, ये देखें जी टोयोटा कनेक्ट लिखा आ रहा है, ये कनेक्ट हो गया इधर टोयोटा, तो ये अब गाने आप प्ले से। और जो वैगनार में आया पड़ा वो जैसे आप इस ऑप्शन पे आते हैं ना, ये वाले ऑप्शन पे, तो इसमें जो है ना आपको ये बटन नहीं दबाना पड़ता वैगनार में, आपको सिर्फ इस तरह सोर्स वाला जो बटन है आप इसको दबाते हैं तो सिंपली जो है ना वो अपनी जगह पे आ जाता है बैक, ठीक है जी, तो वो गाना प्ले हो जाता है, सिंपल सी बात है भाई। ये वैगनार और इसका ये तरीकाकार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद आई है तो मुझे जो है ना कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।